यह मैंने क्या कर लिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने यह सब कर लिया। सुबह उठकर तांत्रिक के पास जाके प्रायश्चित कर लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हुई 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 हुई। The next day, बाबा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपके पास प्रायश्चित करने आया हूँ। क्या पाप हो गया बेटा? बाबा वो कुछ दिन पहले मैं कॉलेज की लाइब्रेरी गया, बुक पढ़ते पढ़ते काफी देर हो गई और लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो गया। मैं जैसे ही निकलने वाला था कि बारिश शुरू हो गई तो मैं वहीं रुक गया। वहाँ की लाइब्रेरियन बड़ी आकर्षक सी महिला है, वो भी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। फिर उससे बातचीत शुरू हो गई और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि उसके साथ सेक्स करके ही रुका। हाँ बेटा, पाप तो हुआ है, पर जवानी में ऐसा हो जाता है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम 101 बार जप करना, प्रभु तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। पर बाबा बात सिर्फ इतनी नहीं है। अभी लास्ट वीक मेरे पड़ोस में एक अधेड़ उम्र की महिला रहती है जिसका पति बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है। उसको अपने बेटे को ईमेल भेजनी थी जिसके लिए उसने मुझसे मदद मांगी। मैं उसके घर गया और उसको ईमेल भेजने में मदद करके निकलने ही वाला था कि जोर की बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, तब तक वो महिला चाय ले आई। चाय पीते पीते बातचीत शुरू हो गई। बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि फाइनली इस अधेड़ महिला के साथ सेक्स करके ही रुका। अरे बेटे, ये तो वाकई पाप है, पर अगर तुम सच्चे दिल से उसी मंत्र का 501 बार जप करोगे तो प्रभु तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। बाबा सबसे बड़ा पाप तो कल हो गया। कल शाम मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था, मैं आखिरी कस्टमर था। नाई ने इत्मीनान से बाल काटे, फिर उसको पेमेंट करके मैं निकलने ही वाला था कि एकदम बारिश शुरू हो गई तो मैं दुकान पर रुक गया। फिर नाई से बातचीत शुरू हो गई और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि उसके साथ सेक्स करके ही रुका। अब आप ही बताइए बाबा, अब मैं कितने मंत्र का जाप करूं? देख भोसड़ी के माधुचोद, ये मंत्र वंतर छोड़ और इसके पहले कि बारिश शुरू हो तू यहाँ से निकल, चूम तमारी के।